क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप BKL राहुल को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला तूफानी तरीके से शुरू हुआ। टॉस की अगर हम बात करें तो लखनऊ के सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में डुप्लेसी को आमंत्रण किया RCB को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। आइए शुरुआत भी आपको लगे हाथों बता ही देते हैं। दोस्तों शुरुआत खराब रही, मोहसिन खान की एक गेंद थी, इस तरह से एच दे बैठे कप्तान फैफ डुप्लेसी और पीछे गुंटन डिकॉक ने इनकी शानदार कैच पकड़ ली, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान डुप्लेसी बिना कोई रन बनाए 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद कोहली और पटीदार के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी वो भी इस शॉट गेंद पर फंस गया। आवेश खान की गेंद हवा में जा रही थी बाउंड्री के पास और बाउंड्री के पास इस तरीके से कैच पकड़ ली मोहसिन खान ने, जिसके चलते कोहली 25 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके अगले ओवर में मैक्सवेल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी कृणाल पांडे की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीचे खड़े एविन लुईस को अपनी कैच दे बैठे और मैक्सवेल भी 9 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज ने आज कुछ अलग ही करिश्मा कर दिया, जिसका नाम था रजत पाटीदार। 200 अकेले बल्लेबाज ने रोंगटे खड़े कर दिए पूरी लखनऊ की टीम के तूफानी बल्लेबाजी से। 200 इस मुकाबले में सबसे पहले तो अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया पाटीदार ने। 200 उनका साथ दे रहे थे लोमरोर, लेकिन ये भी बिश्नोई की इस गेंद पर सामने का शॉट तो खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए कमाल लाजवाब राहुल, जिसके चलते इस मुकाबले में 14 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते वहीं पर लोमरोर आउट हुए। लेकिन दूसरे एंड से जारी था तूफान रजत पाटीदार का। 200 पटीदार ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और देखते ही देखते पटीदार ने अपना अर्धशतक से शतक बना ही दिया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में शतक लगा दिया और किसी ने नहीं, हमारे रजत पटीदार ने। एलिमिनेटर मुकाबले में RCB के तीसरे नंबर के बल्लेबाज ने, जिसे कोई जानता भी नहीं था, उसने आकर लखनऊ के रोंगटे खड़े कर दिए और लगा दिया अपना बेहतरीन शतक। उनका साथ दिया अंत तक हमारे दिनेश कार्तिक ने, जिन्होंने 37 रनों की तूफानी पारी खेली सिर्फ 23 गेंदों में और पटीदार ने खेली 112 रनों की पारी सिर्फ 54 गेंदों में 7 छक्के और 12 चौके लगा, जिसके चलते 207 रन लगा दिए RCB की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 204 रन लगा दिए हैं RCB ने 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। दोस्तों लखनऊ की भी शुरुआत खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें, सबसे पहले सिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए क्विंटन डिकॉक और नीचे खड़े डुप्लेसी ने इस तरीके से कैच पकड़ ली, जिसके चलते क्विंटन डिकॉक 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद राहुल का साथ देने आए थे मनन वोरा, लेकिन ये भी 19 रन बनाकर हेजलवुड की इस गेंद पर शहबाज अहमद को इस तरीके से कैच दे बैठे। 19 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते मनन वोरा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर KL राहुल का साथ देने आए दीपक हुडा। दोस्तों दीपक हुडा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे और कोई नहीं, कप्तान राहुल। दोस्तों KL राहुल अपने अर्धशतक तक पहुंच चुके थे और दीपक हुडा भी 30 रन बनाकर अच्छी पारी खेल ही रहे थे। दोस्तों लगभग 13वें ओवर तक मुकाबला RCB के पक्ष में रहा और यहीं पर हो गया टाइम आउट। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस साल IPL को अपने नाम कर पाएगी? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।